नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं रवि तिवारी रटलो की अगली श्रृंखला के साथ करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न लेके मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल भी हम लोगों ने 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला को हल किया था और आज अगले महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। यूपीपीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई और एनटीपीसी के लिए यह श्रृंखला आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, परीक्षा में लाभकारी होगी। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं रटलो 3 की। पहला प्रश्न, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर 2019 को मनाया गया या किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पहला तो आपको एक प्रश्न में ही एक प्रश्न है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया, तो आपको याद रखना है 15 अक्टूबर 2019 को। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस होता है, आप लोग समझ लीजिएगा इसको, है ना। तो आज मानवाधिकार दिवस है और ह्यूमन राइट्स डे जिसको आज हम लोग कहते हैं, तो आप सभी लोगों को मानवाधिकार दिवस की शुभकामनाएं। अब देखिए, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर 2019 को मनाया गया, यह किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। तो विश्व विद्यार्थी दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए दूसरा प्रश्न है आपका, 10 अक्टूबर 2019 को, कभी कभी कोई प्रश्न बड़ा होता है तो फॉन्ट छोटा हो जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, लेकिन सभी प्रश्नों में ऐसी स्थिति नहीं है, मैं पढ़ दे रहा हूं। 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको हम लोग सुमन कहते हैं, का शुभारंभ किया। योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, है ना। तो पहला कथन जो इसमें लिखा हुआ है, आइए देखते हैं, लिखा है इस पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 13वें सम्मेलन के दौरान किया गया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 13वें सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली में, और पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इस योजना के तहत माताएं एवं नवजात शिशु प्रसव के 6 महीने बाद तक निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे, बिल्कुल सही है, है ना। और तीसरा है, इसके तहत गर्भवती महिला को प्रसव से पूर्व कम से कम 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, बिल्कुल सही है, है ना। स्वास्थ्य को सही करने के लिए, स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को सही करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रहती है वहां पे जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना लाई गई है, जिसको हम लोगों ने सुमन कहा। इस सुमन के संबंध में जो तीनों प्रावधान है इसमें देखिए, ये जच्चा बच्चा दोनों से जुड़ी हुई योजना है, इसका मतलब है शिशु से भी जुड़ा हुआ है और जो माता उस शिशु को जन्म दे रही है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो तीनों ही जो व्याख्या है इसकी बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है, चलिए, 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 सर्वेक्षण, कल हम लोगों ने इस पर बात की थी, जिसमें पूरे भारत में 720 स्टेशनों को शामिल किया गया था और मैंने आपको बताया था कि जयपुर सर्वश्रेष्ठ स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह प्रश्न उससे कुछ अलग है और ये आपके प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। क्या लिखा है, 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 नामक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया। इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? जल्दी से आप लोग उत्तर करिए कि उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान किसको मिला, है ना। तो यहां पर शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन चुना गया। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, शाहजहांपुर इसका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में से किस समिति ने नई प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 31 मई 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपा? यह प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा किस समिति के संयोजन में तैयार किया गया या इसके अध्यक्ष कौन थे, समिति को किसके निर्देशन में? तो आपका उत्तर इसमें होगा कस्तूरी रंजन समिति। क्या होगा, कस्तूरी रंजन समिति, आपका उत्तर यहां पर होगा सी, कस्तूरी रंजन समिति, ये आपका सही उत्तर यहां पर होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कस्तूरी रंजन समिति के उसमें कस्तूरी रंजन समिति की देखरेख में बनाया गया और इस मसौदे को 31 मई 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न,
प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक निर्गमता, आर्थिक समानता, बैंकिंग समावेशन, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। समावेशन थोड़ा सा विस्तृत वर्ड है। समावेशन का मतलब ये होता है कि अंतिम व्यक्ति तक उन सुविधाओं को पहुंचाना। जैसे मैं आपसे कहूं शिक्षा समावेशन, तो शिक्षा समावेशन का यहां पर आशय होगा कि शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। जैसे मैं अगर आपसे कहूं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो उसका मतलब क्या होगा, शिक्षा समावेशन, है ना, शिक्षा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, क्लियर। जैसे मैं आपसे कहूं कृषि समावेशन, तो इसका मतलब है कृषि से संबंधित साधन और संसाधनों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। जब समावेशन शब्द एक वृहद शब्द है किसी के साथ जुड़ जाता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच करना। तो यहां पे देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, जब इस वाले बजट पर आपकी चर्चा हो रही थी तो गवर्नमेंट ने बताया कि लगभग 34 से 35 करोड़ खातों के बीच की संख्या के खाते, हालांकि बजट में लगभग 34 करोड़ लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 34 करोड़ से संख्या ज्यादा है, तो 34 से 35 करोड़ की संख्या के खाते लगभग लगभग जनधन योजना में आपके खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में। जनधन योजना का उद्देश्य क्या है, बैंकिंग समावेशन, इसका मतलब है बैंकिंग के से समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ना या समाज के अंतिम तबके तक बैंकिंग को पहुंचाना, ताकि सब्सिडी जैसी चीजों को से सीधे व्यक्ति को जोड़ा जा सके, आर्थिक समावेशन किया जा सके, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर बनी है तो अगर प्रत्येक व्यक्ति बैंकिंग से जुड़ा होगा, बैंकिंग समावेशन हो चुका होगा, तो सब्सिडी और लाभ जैसी योजनाओं को 100% सीधे बिना बिचौलियों की भूमिका के उस तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसका उत्तर जो आपका होगा वो क्या होगा, बैंकिंग समावेशन इसका सही उत्तर आपका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है, बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका छठवा, चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है। तो देखिए जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यह जो कहां पर स्थित है, 9.2 किलोमीटर की है, वह जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में, उधमपुर जिले में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। आइए सातवां प्रश्न, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2019 किन देशों के बीच आयोजित हुआ, तो बताइए ये मिजोरम में आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया गया, ये मिजोरम में आयोजित किया गया। और धर्म गार्जियन एक प्रमुख युद्धाभ्यास है जो भारत और जापान के बीच किया है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, बताइए भारत और जापान, और इसका आयोजन कहां पे किया गया, मिजोरम में किया गया। तेजी से आप लोग उत्तर करते चले। आइए आठवां प्रश्न है आपका, बथुकम्मा उत्सव 2019 किस राज्य में मनाया गया, बताइए। ये अभी पेपर्स में और मैगजीन्स में रहा और आपकी जो कल्चरल करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बताइए। देखिए बथुकम्मा जो है वो तेलुगु शब्द है, क्लियर है, बथुकम्मा जो है वो तेलुगु शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है देवी को बुलाना, ईश्वर को पुकारना या ईश्वर को बुलाना, देवी को बुलाना, है ना। और ये तेलंगाना जो राज्य है, हाँ तेलंगाना में इस उत्सव को मनाया गया, और इसको फूलों का उत्सव भी कहा जाता है, इसको फूलों का उत्सव भी कहा जाता है, क्लियर। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तेलंगाना। बथुकम्मा एक तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर को बुलाना, देवी को बुलाना, ईश्वर को प्रसन्न करना। ये 9 दिवसीय उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, कहां पर, तेलंगाना में, है ना। आइए अगला प्रश्न है आपका नौवां, हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, हाँ बताइए। राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा, जैसे वन नीति आपकी होती है, शिक्षा नीति होती है, इसी प्रकार राष्ट्रीय जल नीति का भी मसौदा जो है आपका तैयार करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे तैयार करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, जल का संरक्षण, जल की पहुंच, शुद्धता और वितरण, है ना।
जल का संरक्षण, जल की पहुंच, शुद्धता और वितरण सबको समान रूप से मिल सके। मेहर साय समिति किसके अंदर में, मेहर साय समिति की जो है 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है मेहर साय जी के नेतृत्व में। तो मेहर साय समिति इसका सही उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, क्या बताया मैंने, वितरण, शुद्धता, है ना, सुरक्षित करना, संरक्षण करना। आइए, दसवां प्रश्न है आपका, सितंबर 2019 में कौन सा रेलवे स्टेशन मुफ्त वाईफाई युक्त 5000वां रेलवे स्टेशन बना, मिदनापुर। मैं इससे पहले भी इस प्रश्न को एक बार आपको हल करा चुका हूं। मिदनापुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में भारतीय रेल रेल टेल के माध्यम से, भारतीय रेल रेल टेल के माध्यम से अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे जो फ्री वाईफाई आपको प्रोवाइड करता है वो किस नेटवर्क के माध्यम से करता है, किस मतलब किसके माध्यम से करता है, तो आप कहेंगे रेल टेल के माध्यम से करता है, है ना। प्रदेता कंपनी जो है वो कौन सी है, रेल टेल है आपकी। आइए, मिदनापुर इसका सही उत्तर होगा। ग्यारहवां प्रश्न है, भारत के पहले स्पेस टेक पार्क जिसको हम नॉलेज पार्क भी कहते हैं, नॉलेज पार्क भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर। स्पेस टेक पार्क जो है उसी को हम लोग नॉलेज पार्क भी कहते हैं। अब आप इसका उत्तर करिए क्या है, भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, बताइए। तो आप बताइए यहाँ पर, केरल सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है और इसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम में की जा रही है ना। तो भारत का पहला स्पेस टेक पार्क या नॉलेज पार्क कहां पे स्थापित किया जा रहा है, केरल राज्य में और तिरुवनंतपुरम में, क्लियर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बारहवां प्रश्न है आपका, जुलाई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को खसरा मुक्त देश घोषित किया। कल भी मैंने जब आपको जो चर्चा कर रहा था तो मैंने इस प्रश्न की आपसे चर्चा की थी, जब कल मैं आपको मेरा बता रहा था, MERA मेरा एक अलायंस है, अभियान है 3 संस्थाओं का जिसका उद्देश्य है 2030 तक भारत को पूर्णता मलेरिया युक्त मुक्त करना, पूर्णता मलेरिया मुक्त करना, है ना। तब मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका को अभी हाल ही में WHO द्वारा खसरा मुक्त देश घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, बताइए, श्रीलंका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां, हाल ही में भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जल्दी से उत्तर दीजिए। भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, तो बताइए इसका आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया, भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया, नई दिल्ली में। अब देखिए थीम क्या थी, आज कल और एक साथ, क्लियर है, आज कल और एक साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और आसियान देशों के बल, आज कल और एक साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और आसियान देशों के मत, आइए ये इसकी थीम थी। 14वां प्रश्न है, चलिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए फोन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एक प्रश्न में आप इसको मैनेज करिएगा। क्या लिखा है, हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य में विश्व के पहले CNG पोर्ट टर्मिनल के निर्माण हेतु मंजूरी दी। अब देखिए यहां पे एक प्रश्न में ही प्रश्न है, विश्व के पहले CNG पोर्ट टर्मिनल के निर्माण किस राज्य हेतु, सरकार ने किस राज्य में इसका निर्माण किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गुजरात में। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, विश्व के पहले CNG पोर्ट टर्मिनल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, गुजरात में। अब इस प्रश्न को देखिए, हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य में विश्व के पहले CNG पोर्ट टर्मिनल के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की, इस टर्मिनल के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, अब आपको इसकी सूचना है देनी है, यह CNG पोर्ट टर्मिनल भावनगर में स्थापित किया जाएगा, तो देखिए गुजरात में भी किस स्थान पर, भावनगर में। दूसरा, भावनगर बंदरगाह पर इस टर्मिनल को स्थापित करने के लिए 1900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, हाँ बिल्कुल यह भी सही है। हाँ, प्रस्तावित CNG पोर्ट टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 5 मिलियन टन होगी, ये गलत है, इसकी वार्षिक क्षमता जो है वो 5 मिलियन टन नहीं होगी बल्कि ये 6 मिलियन टन है, 5 की जगह कितना है, 6 मिलियन टन है। PCS में इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना, 6 मिलियन टन है, तो तीसरा आपका गलत है
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही और गलत ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, 6 मिलियन टन। आइए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? कल के जो है रटलों में भी ये क्वेश्चन था, गोटाबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे अभी हाल ही में वहां के प्रधानमंत्री बने हैं और विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भाई हैं, छोटे और बड़े भाई। क्लियर है? आइए 16वां। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंडियन ऑयल कारपोरेशन के बैटलिंग प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? बताइए, उत्तर करिए आप लोग। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। हाँ, गोरखपुर में किया गया। आप जानते हैं कि बाबा जी गोरखपुर के हैं और गोरखपुर इस समय विकास कर रहा है। जो लोग गोरखपुर के हों एक बार कमेंट करें, है ना, और गोरखपुर इस समय विकास कर रहा है। तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा? गोरखपुर होगा। आइए 17वां प्रश्न है आपका। सन 2017-18 का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? यहां पर मैं दो चीजें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा जहां पे आप हमेशा गलती करते हैं। क्लियर? इंदिरा गांधी जी के नाम से दो पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्हें भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। क्लियर? आयरन लेडी भारत की कहा जाता है, एक बात। दूसरी बात, दो पुरस्कार इनके नाम पर दिए जाते हैं। एक तो आपका दिया जाता है, देखिए, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। ये राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, इसका सही उत्तर तो होगा चंडी प्रसाद भट्ट, प्रमुख पर्यावरणविद हैं और उनको पर्यावरण के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया गया, एक बार। दूसरा पुरस्कार एक इनके द्वारा जो दिया जाता है इनके समझ में, वो शांति पुरस्कार है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार, है ना। तो ये जो शांति पुरस्कार अब की बार का दिया गया है, ये शांति पुरस्कार दिया जाता है शांति के लिए, समाज सेवा के लिए और निःशस्त्रीकरण के लिए। शांति के लिए, समाज सेवा के लिए और निःशस्त्रीकरण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार का ये पुरस्कार 2018-19 का जो पुरस्कार है दिया गया है डेविड एटन बरो को, डेविड एटन बरो। तो जब भी ये प्रश्न आए प्लीज इतना ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर एकता पुरस्कार पूछा जाएगा तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को दिया गया है और अगर शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी जी के नाम से पूछा जाए तो डेविड एटन बरो को दिया जाता है। एकता पुरस्कार सामाजिक कार्य और पर्यावरण के लिए दिया जाता है और जो शांति पुरस्कार है वो समाज सेवा, निःशस्त्रीकरण और शांति के लिए दिया जाता है। क्लियर है? आइए 18वां प्रश्न। हाल ही में जारी प्रसिद्ध अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा विश्व के 50 महान मार्गदर्शकों की सूची में सम्मिलित एकमात्र भारतीय कौन है? बताइए। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूं, इन पर मूवी भी बनी है, ट्वाइलेट, ट्वाइलेट मूवी जो जिसमें अक्षय कुमार अभिनेता थे वो इन्हीं पर बनी हुई है ना। और अब आप इनको गैस कर सकते हैं, इनका नाम अब आप लोग गैस कर सकते हैं। बताइए इनका सही नाम क्या होगा? बता, इनका सही नाम है अरुणाचलन मुरुगनाथनम। तो इसका सही उत्तर तो होगा आपका सी। अगर हम पूरा नाम देखें इनका तो इनका पूरा नाम है अरुणाचलम मुरुगनाथनम। क्लियर? अरुणाचलम मुरुगनाथनम इनका सही, इसका उनका पूरा नाम है, यहां पर जो है देखेगा। क्लियर? इस पत्रिका में इनको 45वां स्थान मिला, इस पत्रिका में इनको 45वां स्थान मिला है और भारत की तरफ से एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस पत्रिका में शामिल है। क्लियर? इन 50 महान मार्गदर्शकों की सूची में शामिल है। यह कोयंबटूर के निवासी हैं, एक जो है सामाजिक उद्यमी हैं और इन्होंने सस्ते सैनिटरी पैक निर्माण करने वाली मशीन का आविष्कार किया, सस्ते सैनिटरी पैक पैड निर्माण करने वाली मशीन का आविष्कार किया है जिसके लिए यहां पर है, इनका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं और इनको पद्मश्री भी इससे पहले दिया जा चुका है। तो ये भारत के चौथे सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री से जो है नागरिक पुरस्कार से इससे पहले नवाजे गए हैं, पद्म पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। अगला जो प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन करें, बिल्कुल कर लेंगे। बताइए 7वें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में 156 देशों की रैंकिंग जारी की गई, बिल्कुल सही है ना। दूसरा, इस रैंकिंग में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा, बिल्कुल गलत है।
क्योंकि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा, फिनलैंड पहले स्थान पर रहा। तो ये जानकारी जो दूसरी वाली है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर। भारत की रैंकिंग 140वें स्थान पर रही, बिल्कुल सही है। दक्षिणी सूडान विश्व का सबसे दुखी देश घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में सबसे अंतिम में दक्षिणी सूडान है ना, सबसे पहले नंबर पर फिनलैंड है, भारत का स्थान 140वां है और कुल 156 देशों को शामिल किया गया था। तो यहां पर जो गलत उत्तर है वो दूसरा है। तो सही कौन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे पहला, तीसरा और चौथा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा। क्लियर हुई बात? आई 20वां प्रश्न। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 जो ब्राजील में आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? कल भी मैंने इस पर आपसे चर्चा की थी, एक बार बताइए, आप बताइए अगर याद हो आपको तो। अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, क्या था बताइए इसका थीम क्या था? अभिनव भविष्य के लिए, हाँ, आर्थिक विकास। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न, ये किताब है, मैं कल भी आपको जानकारी दिया था, मैंने एक नंबर बताया था कल के वीडियो में, 9452275777 क्या था आपका नंबर, एक बार पेन डाउन कर देता हूं। रीजनिंग की किताब है, आप मंगा सकते हैं, 9452275777। इस नंबर पर आप या तो कॉल कर लें या इसके व्हाट्सएप पे बुक लिख कर भेज दें। आप पूरे भारत में कहीं भी हो, सबसे सस्ते दामों पर एक किताब आपको संस्थान द्वारा पहुंचा दी जाएगी, ऑफर में कुरियर और डाक का खर्च फ्री है। जिन लोगों ने किताब ली है वो रिव्यू आपको दे रहे हैं, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। आइए आगे बढ़ते हैं। 21वां, कोप 19 के आयोजन वर्ष 2022 में कहां आयोजित होगा? कोप 19 आयोजन वर्ष 2022 कहां आयोजित होगा बताइए। देखिए, कोप के जितने भी सम्मेलन हैं वो हमेशा आपसे पूछे जाते रहे हैं, है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो कोप 17 है, कोप 70, कोप 18 और कोप 19, ये तीनों आप याद रखिए। क्लियर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोस्टारिका। क्लियर। इस 21वें उत्तर का जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? कोस्टारिका। ये मध्य अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी जो है वो सैन जोस है। इसकी राजधानी जो है, ध्यान दीजिएगा, वो सैन जोस है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। क्लियर। अब आपको देखना है, 19 में की बात हम लोग कर रहे हैं जो प्रश्न में पूछा गया। अब 2017 जो है उसका आयोजन हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। कहा हुआ था? जोहान्सबर्ग। और 18 का आयोजन जेनेवा। 22 में जो आयोजित होगा वो कोस्टारिका में आयोजित होगा। ये ध्यान दीजिएगा। 22वां प्रश्न, देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? मध्य प्रदेश, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य के मूल निवासी हैं तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। मुख्य न्यायाधीश तो ये रहे कहां के? मध्य प्रदेश के। इस प्रश्न का सही उत्तर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र होगा। और महाराष्ट्र में भी ये कहां के हैं? नागपुर के। हाँ, इनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है, ध्यान दीजिए। 23वां प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, सही उत्तर आप लोग बताएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था, प्रमुख आयोजनों में एक है। क्लियर है? हाँ। 24वां प्रश्न है आपका, हाल ही में एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? देखिए, एबल पुरस्कार शिक्षा से जुड़ा हुआ पुरस्कार है जो गणित विषय में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको दिया जाता है। क्लियर। तो इसका सही उत्तर होगा करेन ओहलेन बेक, सी। ये पहली महिला है जिन्होंने एबल पुरस्कार प्राप्त किया। क्लियर है? हाँ, पहली महिला है। 2003 में इसको शुरू किया गया था, 2003 में इसको शुरू किया था। शिक्षा से जुड़ा हुआ एक और प्रमुख पुरस्कार है जो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, है ना, वो पीटर तवीची को दिया गया है, जो विज्ञान विषय के शिक्षक हैं, वो केन्या के।
तो इस बार का जो वैश्विक जो है आपका जो वैश्विक टीचर अवार्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल टीचर अवार्ड, यानी वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, वो पीटर तबिची जी को दिया गया है, जो विज्ञान के शैक्षिक हैं और शिक्षक हैं और केन्या के निवासी हैं। ध्यान दीजिएगा, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसको आप यहीं अपडेट कर लीजिए। 25वां पुरस्कार, हाल ही में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस की मंत्री शीला दीक्षित का 20 जुलाई 2019 को निधन हो गया। उन्हें किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका केरल। वो केरल राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी थी। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ज्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं। 26वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 43वां सत्र कहां आयोजित हुआ? 43वां सत्र वही सत्र है जहां जयपुर को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो यहां पर एक उत्तर मैं दे रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि 43वें सत्र में भारत के किस शहर को शामिल किया गया, तो आप उत्तर क्या करेंगे? जयपुर। इसका सही उत्तर होगा आपका वाकू। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? वाकू होगा। बाकू जो है अजरबैजान का एक जो है अजरबैजान गणराज्य का भाग है। अजरबैजान गणराज्य का एक जो है स्थान है वाकू। वाकू में हम लोग सभी लोग जानते हैं हाँ कि जो है कि 43वां सत्र इनका यहां पे आयोजित हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस पॉक्सो हाँ एक्ट के तहत दर्ज हो जाए कि वहां पर एक स्पेशल कोर्ट बनाया जा सके? क्लियर, तो आप ध्यान दीजिएगा 100। जैसे ही ये 100 की संख्या पूरी होती है, ध्यान दीजिएगा, तो केंद्र सरकार ने अनुमति दी है और वहां पर निर्णय लिया है कि हाँ कि 100 जहां पर पूरे हो तो वहां पर एक स्पेशल कोर्ट आपका बनाया जाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2012 में यौन अपराधों से बच्चों को बचाने हेतु पॉक्सो एक्ट आपका आया था। तो ये एक्ट कब आया था? 2012 में। इसका उद्देश्य क्या है? यौन अपराधों से बच्चों को बचाया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। और 100 पूरे होने पर, जैसे 100 मामले दर्ज होने पर यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा जो पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्त पोषित होगा। केंद्र द्वारा वित्त पोषित होगा। क्लियर, आइए कोई दिक्कत? चलो 28वां प्रश्न को लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को भारतीय पुरातत्व संग्रहालय को डिजिटलीकरण करने के लिए विकसित किया गया है? एक बार मैं इस प्रश्न पर और आपसे चर्चा कर चुका हूं। क्लियर, पुणे में इसको विकसित, हाँ जतन, जितने भी पुरातात्विक संग्रहालय हैं, हमारी प्राचीन चीजें हैं जो प्राचीन पुरातात्विक महत्व की है, उनके विवरणों को, उनसे संबंधित सभी प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण करने के लिए, पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर को एक साथ संजोने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जतन है ना, हाँ जतन सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। और ये सॉफ्टवेयर जो विकसित किया जा रहा है ये CDAC पुणे द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब इसका भी समझ लीजिए, ये भी एक परीक्षा में पूछा गया है। CDAC पुणे क्या है? तो इसको हम कहते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, यह आपसे पूछ लिया जाए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कहां स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? पुणे हो जाएगा। 29वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF ने वर्ष 2020 में होने वाले संयुक्त वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को सौंपी है ना, इसका आयोजन कहां किया जाएगा बताइए? नई दिल्ली में किया जाएगा, राजधानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन नई दिल्ली में किया जाएगा। 30वां प्रश्न, हाल ही में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता हॉल ऑफ फेम ओपन 2019 का एकल खिताब किसने जीता? जॉन इस्सर USA के हैं, जॉन इस्सर USA के हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे सी बॉक्स के संदर्भ में, देखिए सबसे पहले दिल्ली सरकार द्वारा ये ऐप आया गया था सी बॉक्स, हम लोग इसकी एक बार और चर्चा कर चुके हैं, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ ऐप है, जो महिलाएं होती हैं कार्यकारी महिलाएं, चाहे वो प्राइवेट स्थान पर कार्य करने जाती, सार्वजनिक स्थान पर, चाहे वो निजी क्षेत्र में कहीं कार्य करने जाती हैं,
अगर वो कार्यस्थल पर कभी भी ऐसा महसूस कर सकती है, करती है कि उनके द्वारा कुछ गलत हो रहा है, उनके प्रति कुछ गलत हो रहा है, तो सी बॉक्स के माध्यम से लोकेशन सहित वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती है। उसी के संबंध में कुछ जानकारी इस विकल्प में दी गई है जिसको आपको देखना है। यह एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके तहत केवल सार्वजनिक क्षेत्र की शिकायतों का समाधान किया जाता है। दूसरा गलत है। देखिए, सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्र की शिकायतों का समाधान किया जाता है। सार्वजनिक एवं निजी, कोई भी महिला हो, सुरक्षा, महिला सुरक्षा सबके लिए जरूरी है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही हो चाहे वो निजी क्षेत्र में। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये गलत है। तो केवल एक इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ, आइए आगे चलते हैं हम लोग। 32वां प्रश्न है, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय, जो विश्व का तीसरा भी है, भारत के किस राज्य में शुरुआत इसकी की गई है? बताइए, प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय की शुरुआत कहां की गई है, बताएं। तो ये गुजरात में आपका प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है और गुजरात के बड़ौदरा में बनाया जा रहा है। आइए, विश्व का तीसरा। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? जिम्बाब्वे। ये आज की बात नहीं है, रॉबर्ट मुगाबे के समय से ही जिम्बाब्वे विवादों में घिरा हुआ है। जो क्रिकेट प्रेमी है वो इस चीज को समझ सकते हैं। जिम्बाब्वे में पहले बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, एंडी फ्लावर, ग्रेट ग्रांट फ्लावर और क्रेग विसार्ड जैसे खिलाड़ी, और जो है काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर होते थे, है ना। तो यहां पर जो है निलंबित कर दिया गया है जिम्बाब्वे को, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एक नियम है कि कोई भी बोर्ड हो, किसी भी जो है देश का बोर्ड हो, वो स्वायत्त हो और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, है ना। और यहाँ पर लगातार जिम्बाब्वे बोर्ड राजनीतिक हस्तक्षेप से जूझ रहा था, इसलिए आईसीसी द्वारा इस बोर्ड को निलंबित किया गया है। आइए 34वां प्रश्न, लेखक राणा दास गुप्ता को उनके किस उपन्यास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, बताएं। तो इनका उपन्यास का नाम है क्या है? सोलो। ध्यान दीजिएगा, सोलो किसकी रचना है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राणा दास गुप्ता की रचना है और इसी रचना के लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। सोलो, हाँ, व्यवस्था एवं भौतिक अस्तित्व की अंतिम विफलता की कहानी है। व्यवस्था और भौतिक अस्तित्व की अंतिम विफलता की कहानी है सोलो। अच्छा उपन्यास है राणा दास गुप्ता का, मैंने इसके रिव्यू पढ़े हैं, उपन्यास नहीं पढ़ा है। 35वां, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 17वें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था चुनाव के बाद? वीरेंद्र कुमार जी को, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, वीरेंद्र कुमार जी मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए 36वां प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस देश ने जंगल को जीवित इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की, है ना। तो देखिए, जंगल को जीवित इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला जो देश था वो अल सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर इन मामलों में जो है बहुत जबरदस्त कार्य कर रहा है। मध्य अमेरिका का एक देश है, मैं आपको बता दूं। इससे पहले ये विश्व का पहला देश बना था जब इन्होंने अपने यहाँ धातु खनन को रिच मिनरल देश है, छोटी आबादी वाला देश है, यहाँ की संसद ने धातु खनन को पूर्णतः अपने यहाँ प्रतिबंधित किया था, क्योंकि पर्यावरणीय विकृतियां बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही थी और लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे हो रहा था शारीरिक रूप से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो लालच को ना देखते हुए धातु खनन को जो है प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश भी अल सल्वाडोर है, और पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बाकी देशों के साथ उदाहरण देखते हुए इन्होंने क्या किया कि जो जंगल है उनको जीवित इकाई के रूप में जो है मान्यता देने की घोषणा की। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का एक देश है। आइए 37वां, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, आइए थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। हाँ, प्रश्न है आपका, 19 जून 2019 को भाजपा सांसद ओम बिरला जी को, हाँ ओम बिरला जी सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, इनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। ओम बिरला जी राजस्थान के जोधपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य, पहली इंफॉर्मेशन गलत है, जोधपुर से नहीं है, कोटा से, राजस्थान कोटा से, राजस्थान के तो है बट जोधपुर के नहीं है।
तो पहली कॉन्फिगरेशन गलत है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में वर्णित है, आर्टिकल 93 बिल्कुल सही है। दूसरा आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, गलत है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं बल्कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। चौथा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, सही है। तो दूसरा और चौथा सही है और पहला और तीसरा बिल्कुल गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। ओम बिरला जी जो एक बहुत अच्छे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, कल आपने देखा नागरिकता संशोधन बिल में काफी देर तक संसद चली और एक गर्मा गर्म माहौल में उन्होंने बढ़िया परिचय दिया, अच्छे, काफी मैंने लोकसभा अध्यक्षों को देखा है लेकिन अभी तक के सबसे अच्छे लोकसभा अध्यक्षों में से वो एक है। आइए 38वां प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और इटली ने किस लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया। दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ फास्ट ट्रैक प्रणाली को स्थापित करने का निर्णय लिया, तो आपका उत्तर होगा इटली। अब इस विषय को लेते हैं, हाँ इसका विषय क्या था कि जो है ये निर्णय लिया गया, तो निवेशकों और कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, निवेशकों और कंपनियों को एक हेल्दी एटमोस्फेयर देने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हम व्यापार के लिए नए दोस्त तलाश रहे हैं, हम नई नई चीजें तलाश रहे हैं, अपार संभावनाएं हैं भारत में व्यापार की, हाँ हम सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रहे हैं, तो हम नई नई चीजें और नए नए समझौते शेष विश्व के साथ कर रहे हैं। उसी क्रम में एक समझौता है जिसका सही उत्तर आपका क्या होगा, सी होगा। आइए 39वां प्रश्न है, 5 जून 2019 को यूनेस्को ने बेबीलोन शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया। चलिए आपको बताना है कि ये बेबीलोन जो शहर है वो किस देश में स्थित है, तो आप बताइए जो बेबीलोन शहर वो कहां पे है। देखिए तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता का एक शहर है, मेसोपोटामिया सभ्यता का एक शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी आपकी मेसोपोटामिया, चलिए उसका एक शहर है। फिर दूसरा, हैंगिंग गार्डन के लिए प्रसिद्ध है और इसके 7 अजूबों में से एक है। यहां पर क्या है बताइए, हैंगिंग गार्डन भी है और ये विश्व के 7 अजूबों में से ये हैंगिंग गार्डन आपका एक है ना। तो आइए मेसोपोटामिया की जो है शहर है, आगे बढ़ते हैं 40वां प्रश्न आपका, विश्व का सबसे बड़ा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान ढाका बांग्लादेश में स्थापित किया जाएगा, घोषणा कर दी गई, विश्व का सबसे बड़ा किया गया अंतिम अभी निर्माणाधीन है तो किया जाएगा, बन जाएगा लेकिन ये यहां पे कहां पे है, ढाका में आपका। 41वां, हाल ही में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तरकस किस देश की यात्रा की, INS तरकस ने किस देश की यात्रा की बताइए, मिस्र, कतर, ओमान। तो इन्होंने मिस्र की यात्रा की और मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर पहुंचा, है ना। INS तरकस ने किसकी यात्रा की, मिस्र के, और मिस्र में कहां पहुंचा, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर पहुंचा। इसका प्रमुख उद्देश्य बताइए क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था, है ना, नौसेनाओं के मध्य आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाना, नौसेनाओं के मध्य आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाना। आइए 42वां, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019 में कितने आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, बताइए उत्तर करिए। इस प्रश्न को मैं आपको एक बार हल करा चुका हूं, इसका सही उत्तर आप क्या होगा, तेजी से आंसर करें, 4200, क्लियर। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र की रेडियस को कवर करने की जो है का उद्देश्य है ना, और एक वेलनेस सेंटर अगर कहीं खोला गया है तो वो अपने आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा और गांव गांव घर घर जाकर जागरूकता प्रदर्शनी लगाएगा और लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए बताएगा, है ना। हम आपको बता चुके हैं इससे पहले भी कि 2014 में आयुष एक विभाग था जिसको विभाग से मंत्रालय का दर्जा 2014 में दिया गया, क्लियर है। 43वां, हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में किस टाइगर रिजर्व के में नियमानुसार इन प्रिंसिपल यूरेनियम सर्वेक्षण और अन्वेषण की अनुमति, हाँ अनुमति दी, यूरेनियम सर्वेक्षण बताइए, सही उत्तर आपका क्या होगा, अहमदाबाद टाइगर रिजर्व, है ना, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में यूरेनियम सर्वेक्षण की हाँ जो है मंजूरी दी गई। 44वां प्रश्न,
26-27 फरवरी 2019 के मध्य राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया बताएं? हाँ, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नए भारत की खोज के लिए प्रयास, समाधान और नीति निर्माण के लिए, है ना, नई दिल्ली। और इसका उद्देश्य क्या था? नए भारत की खोज के लिए प्रयास, समाधान और नीति निर्माण में युवाओं की भूमिका। आइए ध्यान रखिएगा, युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। 19 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मेनका गांधी ने संयुक्त रूप से 16 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में किसी भी आपात स्थिति में सूचित करने के लिए एकल पैन इंडिया नंबर लॉन्च किया 112, जिसमें महिला सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, फायर ब्रिगेड, आपातकालीन इमरजेंसी, सब कुछ 112 में शामिल है। और अभी हाल ही में आपका भी डायल जो 100 था उसको 112 बदल के कर दिया गया है। हाँ, आपके प्रदेश में क्लियर। आइए 46वां प्रश्न, हाल ही में किन देशों के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्धाभ्यास संपन्न हुआ बताइए। हाँ बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? भारत और सिंगापुर इसका सही उत्तर होगा। भारत और सिंगापुर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न थोड़ा सा यहां पर रह गया है, आप इसको पढ़ लीजिए 47वें को थोड़ी शिकायत में। जागरूक ऐप किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? ये आपका प्रश्न नंबर 47 है। जागरूक या अवेयर ऐप किस उद्देश्य से आपका जो है विकसित किया गया है? इसके सही ऑप्शन आपके यहां पर है, क्या है बताइए? केंद्र अवेयर ऐप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका सही आपका देखिए यहां से लेना है आपको। हाँ, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए, नागरिकों को बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए, देश भर में बिजली की गुणवत्ता उपलब्धता पर वास्तविक समय में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए और मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये बिजली की गुणवत्ता और उपलब्धता पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अवेयर ऐप है। अवेयर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ऊपर है, क्लियर। 47वां प्रश्न था। 48वां, उत्तराखंड में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जाएगी, है ना, रानी पोखरी में। रानी पोखरी में उत्तराखंड में नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, देहरादून जिले में स्थित है। रानी पोखरी अगर पूछा जाए कहां पे है, तो देहरादून जिले में स्थित है। तो अगर रानी पोखरी ना हो तो देहरादून आपका सही उत्तर होगा, क्लियर है। आइए, जनवरी 2019 में दृष्टिबाधित लोगों को नोट पहचानने में सहायता के लिए रोशनी नामक एंड्रॉइड ऐप किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया बताइए। रोशनी ऐप, पहले तो ये समझ लीजिए कि रोशनी जो एंड्रॉइड ऐप है वो किस उद्देश्य से है। तो देखिए, दृष्टिबाधित लोगों से संबंधित है और क्यों बनाया गया है, नकली नोटों को पहचानने में, है ना, नकली और असली नोटों की पहचान करने में। और किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईटी रोपड़ द्वारा इसको बनाया गया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, आईआईटी रोपड़ जो है वो चंडीगढ़ से 20-22 किलोमीटर दूर स्थित एक अच्छा आईआईटी है जो इस समय बढ़िया काम कर रहा है, आईआईटी रोपड़। 50वां, हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कवि संगोष्ठी का आयोजन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा कहां पे किया गया? 64वीं राष्ट्रीय सभी, देखिए दो प्रश्न है, हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कवि संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा किया गया, है ना। फिर आपको देखना है कहां किया गया, तो ये किया गया बताइए, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन देखिए आप लोग, तो इसका सही उत्तर है आपका चेन्नई मद्रास, क्लियर। तो ये जो है आज का हम लोगों का जो है रटलो था 50 प्रश्नों का। कल के रटलो में और बेहतरीन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के साथ मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, अपना ख्याल रखें। रटलो आपको कैसा लगा? आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा मूल्यवान है, अपने सुझाव दें, बहुमूल्य सुझाव। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। कल संस्थान की तरफ से प्रतिदिन 9 बजे अब जब तक आपकी परीक्षा है, हम लोग इस रटलो श्रृंखला को लेकर आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।